तो हेलो दोस्तों, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ इंदौर बुधनी रेलवे लाइन, कितना कुछ काम हो गया है। ये जो कि 100 नंबर का ब्रिज है, ये देखिए आप, इसकी विंग वॉल का जो है सरिये बिछाने का काम स्टार्ट हो गया लगभग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दोनों तरफ गड्ढे हो गए हैं, आपको ये दिखा रहा हूँ पहले मैं, और उसके बाद फिर आप देखिएगा, नीचे से भी दिखाऊंगा आपको कि सरिये किस कदर बांधे जाते हैं, कितना मेहनती काम है। तो शानदार एकदम लुक वाइज, जो कि आपको मैंने ये बोधनी के पास दिखाया था अपना बोर घाटी जो ब्रिज था, वहाँ पर दिखाया था आपको दोस्तों मैंने, ऐसे विंग पुल बन रहा था जिसके सरिये बन रहे थे, यहाँ पर भी सरिये बांध दिए गए हैं। और अभी अप्रैल तक, मान लो अप्रैल महीने में ये इसका विंग पुल है, जो नीचे नीचे का बेस है, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और शानदार लग रहा है अब, और काम ने गति ली है काफ़ी, तो ये विंग वॉल का काम स्टार्ट है और सुपर गति से चल रहा है। आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए आपका शानदार है, और दोनों साइड के विंग वॉल बने हैं। अभी बारिश से पहले या मानसून से पहले पहले पूरे विंग वॉल कंप्लीट करने का आदेश है आगे से, तो हिसाब से काम अब गति से चल रहा है, क्योंकि विंग वॉल में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत बारीकी से काम होता है इसमें पूरी विंग वॉल बनाने में। तो उस साइड भी ये गड्ढा हो गया है, उसका पीपीसी हो गया है, और उसके भी अब सरिया वगैरह आ जाएंगे दो दिन तो हफ्ते में, उसके भी सरिया बन जाएंगे और एक एक करके सरिये बांधे जाएंगे। तो पहले दोस्तों आपको मैं नीचे से सरिये दिखाता हूँ किस कदर बनते हैं और कैसा दिखता है इसका डिज़ाइन। ये देखिए आप, थोड़े से जगह रिस्की है, पैर वगैरह ड्रिफ्ट हो रहे, तो देखिए आप ये नीचे से, ये देखिए आप, इसके पूरे सरिये बांध दिए गए हैं जो कि, और पूरा जोरदार लग रहा है और देखने में आपको। तो दोस्तों इसी गति से अगर काम चलता रहा तो मान लीजिए कि 28 तक रेलगाड़ी ज़रूर दौड़ जाएगी इस रूट पे, क्योंकि काफ़ी गति आ गई है अब काम में। और ये विंग वॉल जो है पहला है और गजब का रहने वाला है, काफ़ी बड़ा बनता है विंग वॉल। ये देखिए ये पूरा गड्ढा है जो इसमें पूरे में सरिये बिछेंगे इसके जैसे सेम टू सेम एज इट इज़। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी बारीकी से काम होता है विंग वॉल का। तो बहुत शानदार है जो कि, तो वो आपको मैं उस साइड का दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं अभी, तो आप इस साइड का देख लो, उस साइड का जो कि ये कंक्रीट है, ये जो हो गया था आपको पहले वीडियो में बताया था। अभी क्या होली वगैरह है तो इस कारण थोड़ा सा काम अभी धीमा दिख रहा है, होली के बाद जो अप्रैल महीना आएगा उसमें आपको काम सुपर देखने को मिलेगा। और खबर जो है कि टेंडर वगैरह भी खुलने वाले हैं, फाइलें वगैरह बन गई टेंडर की, तो देखिए आप यहाँ पे भी हो गया है पूरा सिस्टम तैयार। देखिए आप, ये इंदौर से यहाँ की दूरी 97 किलोमीटर है जो कि, और पूरे पे हो गया है। अब इसके सरिये एक दो हफ्ते में बिछा दिए जाएंगे, उसके बाद आप देखिए फिर। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और काफ़ी बड़ा है देख पा रहे हो,
मैं इस वक्त नाले पे खड़ा हूँ। एक नाला है, इसका ही विंग वॉल का काम चल रहा है, जो कि ये इसकी वो जो पिलर है वो तो बन गए थे पिछले साल, इस साल विंग वॉल का काम चल रहा है। अब मैं आपको आगे से दिखा रहा हूँ ऊपर चढ़ के, जो कि ऊंचाई से थोड़ा सा, तो देखिए आपको विंग वॉल अच्छा खासा नज़र आने लग गया होगा। ये देखिए एक तरफ का भी ये हो गया बेस तैयार, दूसरी तरफ सरिये बांधने का काम जारी है। तो ये अभी पहली स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज में इससे छोटा, फिर छोटा छोटा करके सबसे लास्ट अलग छोटा बनेगा। तो ऐसे 5 स्टेप में काम होगा, उधर भी 5, 5 दूनी 10 स्टेप रहेगी। तो विंग वॉल का बेस कुछ ऐसा बनेगा, सेम टू सेम एज इट इज़ उस साइड बनेगा, जैसा कि आप वो देख रहे हो पेड़ उसके वहाँ। तो वो तो कंडीशन हो जाएगी और वो घर वगैरह देख रहे हो, एक सेकेंड वहाँ आएगा घर के पास, 2 विंग वॉल उधर हो जाएंगे। तो ये टोटल हो जाएगा कंप्लीट अप्रैल महीने में, अप्रैल मान लो, अप्रैल मई जून जुलाई मान लो, या अगस्त तक समझ लो पूरा विंग वॉल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो लगना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कितना शानदार लग रहा है हम यहाँ से, विंग वॉल जो कि विंग वॉल आप समझ रहे कि दीवार बन जाएगी और उसके बाद फिर भरा होगा यहाँ पे कंक्रीट का, जैसे कि हम खड़े हैं ये मुरुम वगैरह ये सारा देख पा रहे हो आप, ये मुरुम, तो ये सारी मुरुम वगैरह डाली जाएगी यहाँ पर इस पर विंग वॉल के, उससे फिर तब इतना ऊपर बेस हो जाएगा, जो कि ऊपर गर्डर रखाएगी स्टील की, जो कि आपको भी दिखाएंगे हम। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।